कंट्रोल में गेंद, उन्होंने एक लंबे पास के द्वारा अपने साथी खिलाड़ी तक गेंद पहुंचाने का प्रयास और गेंद भैश्वार बॉल पर कंट्रोल और उन्होंने एक लंबे किक के साथ गेंद को सीमा रेखा और बाउंड्री के बाहर किया। पाले में भैश्वार के खिलाड़ी ने गेंद पर कंट्रोल करने का पूरा प्रयास किया, गेंद अभी भी विनायक एकेडमी और क्या गोलकीपर द्वारा बहुत ही उतना ही अच्छा बचाव और ये लंबे किक। आज का पहला सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ संसद ट्रॉफी 2024 का। और इसी के साथ ये विनायक एकेडमी सतना के द्वारा बढ़त ली गई और एक और दूसरी ओर भैंसवार टीम भी लगातार प्रयासरत। और इस बीच नरेंद्र विश्वकर्मा एवं सुरेंद्र विश्वकर्मा द्वारा पहला गोल बचाव की, भैंसवार की टीम भी लगातार संघर्ष करते हुए और ये पुनः गेंद को भैंसवार की टीम प्लेयर्स ने कवर किया और अपने साथी खिलाड़ी तक पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन उतना ही लंबा किक विनायक एकेडमी कई दिनों से बहुत ही उम्दा खेल देखने को मिला और आज ये संसद ट्रॉफी 2024 का सेमीफाइनल मुकाबला, पहला सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ और ये बहुत ही अच्छा गोलकीपर का प्रदर्शन, बहुत सुंदर ताली बजाइए, बहुत सुंदर लगातार विनायक एकेडमी सतना का आक्रमण, गेंद को अपने साथी खिलाड़ी को पास किया और ये एक चांस ले सकते हैं और बहुत देर अतुल के द्वारा ये अपनी बढ़त को बनाते हुए और वहीं भैंसवार की टीम का प्रयास। एक बार पुनः खेल प्रारंभ, एक बार फिर रामपुर एफसी दूर से प्रयास, शानदार प्रयास और गोल और पहला गोल आरयू एफसी रामपुर के। नाम देखिए ना इसमें क्या है, और एक शून्य की बढ़त इस महत्वपूर्ण सेमीफाइनल मुकाबले पर बनाती हुई आरयूएफसी रामपुर की टीम। खिलाड़ी राहुल, पुनः बॉल राहुल के लिए, अभी भी खतरा टला नहीं, बॉल लेकर बढ़ते हुए डी के ऊपर से दूर से प्रयास, एक बार और पुनः रिप्ले होता हुआ और 2-0 की बढ़त ठीक गोल में देखने को मिलता हुआ, शानदार तरीके से किया गया किक, गोलकीपर को पूरी तरह से बीट करता हुआ और 2-0 की बढ़त मिलती हुई आरयूएफसी रामपुर की टीम को। कोठी के खिलाड़ी बॉल लेकर बढ़ते हुए शून्य के मुकाबले 2 गोल से दूर से प्रयास, बाल की तरह अल्ट्रा टेक की तरह ये रामपुर बगलान के बैग दीवाल चट्टान की तरह खड़े हैं, डी तक ले जाना संभव नहीं है सतना के खिलाड़ियों को, इतनी मजबूत दीवार है। पूरे मैच में फुटबॉल चलते में ऐसा कौन सा खिलाड़ी जो अभी तक बॉल नहीं पाया, और यहां पर गोल, डायरेक्ट गोल लगभग 50 मीटर से यह मारा गया गोल राहुल के द्वारा। जैसे ही मैच की समाप्ति होगी वो हमारे मंच के माध्यम से प्राप्त करेंगे काबिले तारीफ राहुल, जिसके लिए उसमें दोनों ही टीमें फाइनलिस्ट टीमें विजेता उप विजेता की टीमें सम्मिलित होंगी। अच्छा कॉर्नर किक, लेकिन आयोजन कराया गया है जो 4 दिवसीय
रात दिन इन्होंने मेहनत की है इस आयोजन को बनाने में। उनकी टीम लाला शंकरधर जी, आदिल है, आरिफ है, मैं स्वयं मोहम्मद आसिक। मौका है राहुल के पास एक और गोल में बाल को डालने में और फिर से सफलता की ओर। कांग्रेचुलेशन राहुल, ये दूसरा गोल है फाइनल में इनका और आज ही उन्होंने दो सेमीफाइनल में मैच में मारा। इस तरह से चार गोल दागा है आज ही, तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट यानी भाषा कही जा सकती है मैन ऑफ द सीरीज, तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जाएगा तो एक ही खिलाड़ी, वो है सभी का चहेता